गाइस सैमसंग गैलेक्सी M34 5G का आज फाइनली हम लेके आ गए कैमरा रिव्यू। सो इसके कैमरा रिव्यू के लिए काफी सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि इसका कैमरा रिव्यू लेके आओ, वीडियोस कैसी है, इसमें फोटोज कैसी है, क्योंकि इसका जो कैमरा है वो एक काफी अच्छा कैमरा है, 50 MP का OIS के साथ में आता है वीडियोज के लिए। सो यहाँ पे देखने वाली बात है इन रियलिटी आपको कैसी फोटोज एंड कैसी वीडियोज देखने को मिल जाती है इस वाली फोन में। सो सब कुछ मैंने टेस्ट कर लिया, इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इसका कैमरा कैसा है और क्या आपको अंडर 20,000 ये कैमरा फोन लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर ये बेस्ट कैमरा फोन बन जाता है अंडर 20,000 या नहीं। सो वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा एंड फिलहाल इस वीडियो शुरू कर देते हैं। सो गाइज ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी M34 5G स्मार्टफोन एंड इसमें दोस्तों हम आज कैमरा टेस्ट करेंगे। तो सारे फीचर्स पहले आपको बताता हूँ इसकी कैमरा ऐप की, उससे पहले आपको बता देता हूँ इसका जो चार्जर था हमारा आ गया 25W का PD अडैप्टर जो इसके साथ फ्री मिला था हमें प्री बुकिंग करके। सो इसका चार्जिंग टेस्ट भी जल्दी आने वाला है आप लोगों के लिए, सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कैमरा ऐप में चलते हैं इसकी, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइटिंग वगैरह जो अभी है स्टूडियो की वो दिखा रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शंस क्या क्या मिल जाते हैं वो देख लेते हो। यहाँ पे फोटो का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे वाइड एंगल लेंस मिलता है आपको, तो इसमें अल्ट्रा वाइड भी आप स्विच कर सकते हैं एंड उसके बाद 1x 2x देन आप यहाँ पे जा सकते हैं 10x तक। सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, देन आपको फन मोड मिल जाता है जिसमें आप स्नैपचैट के फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, लेंसेज यूज़ कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, एंड यहाँ पे वीडियो ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो में दोस्तों आपका फुल HD 30 FPS पे सेट है अभी, बट यहाँ पे आपको HD 30 FPS मिल जाता है, फुल HD 60 FPS भी मिल जाता है एंड यहाँ पे उसके अलावा अल्ट्रा HD 30 FPS तक मिलता है, यानी कि 4K जो है आपको 30 FPS तक ही मिलता है। उसके अलावा मोर में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, बिक्सबी विजन, AR जोन, प्रो मोड, प्रो वीडियो मोड भी है, सिंगल टेक भी है, यहाँ पे नाइट मोड दिया गया है, फूड पैनोरामा, मैक्रो मोड भी है, सुपर स्लोमो, स्लोमो एंड हाइपरलैप्स। सो यहाँ पे ये सारे मोड्स आपको मिल जाते हैं देखने को। तो सिंगल टेक वगैरह इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है यार सैमसंग के, जो कि मैं काफ़ी पर्सनली पसंद करता हूँ। तो फिलहाल आप फोटोज़ की बात कर लेते हैं, इसका जो मैंने फोटोज़ वगैरह लिए वो कैसी आई है एंड कैसी आपको देख रहे हो मिल। सो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्राइमरी कैमरा की, जो कि 50 MP का है। सो ये फोटो आप देख रहे हैं ये वाली इंडोर कंडीशन में ली है मैंने, स्टूडियो लाइटिंग में ही, कोई ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग इतनी ज़्यादा भी तगड़ी नहीं थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर फोटो है एंड यहाँ पे जो कलर्स वगैरह थे लाइट्स के वो भी इसने अच्छे से कैप्चर किए हैं, थोड़े से बूस्टेड कलर्स आपको मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है इस वाली फोटो में। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे मुझे मतलब डिटेलिंग इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत जो डस्ट है वो भी दिख रही है एकदम अच्छे से एंड जो ओवरऑल पूरा टेक्स्ट वगैरह वो तो आपको क्लियर दिख ही रहा है। नेक्स्ट इमेज दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें रेड लाइट ज़्यादा थी तो उसको इसने अच्छे से दिखाया है, बाकी यहाँ पे बूस्ट तो करता ही है कलर्स, थोड़े से सैमसंग के कैमरास थोड़े से बूस्ट करते हैं कलर्स, जो कि मुझे पर्सनली अच्छे भी लगते हैं, उनमें कोई एडिटिंग ज़्यादा करनी नहीं पड़ती हमें। बट यहाँ पे डिटेलिंग आप देखेंगे जूम करके तो यहाँ पे भी एकदम क्लियर आपको दिख रहा है सब कुछ, टेक्स्ट वगैरह एंड इतना जूम आप कर सकते हैं और इतना ज़्यादा क्लियर आपको दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से ये हैंडल कर रहा है सब कुछ। सो ये दोस्तों लाइट के अगेंस्ट फोटो थी, मतलब लाइट की ही मैंने बेसिकली फोटो क्लिक करी थी, बट इसने यहाँ पे भी डिटेलिंग पूरी दी है, आप देख सकते हैं इतना जूम करने के बाद डिटेल्स पूरी बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल रही है हमें, और यहाँ पे इसने लाइट को ब्लो ऑफ नहीं करा, यहाँ पे इसने एकदम अच्छे से मेंटेन किया कलर्स को, चाहे वो बैकलिट हो या फिर सारी चीज़ों को इसने अच्छे से मेंटेन किया है। यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है उसका ग्रीन लाइट का प्रोपोर्शन इसने एकदम अच्छे से हैंडल किया है एंड जो यहाँ पे व्हाइट लाइट है उसका भी एकदम अच्छे से इसने बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ मेंटेन किया है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि ये मेंटेनेंस बहुत अच्छे से कर रहा है कलर्स की एंड जो डिटेलिंग है वो ऑब्वियसली आपको काफी तगड़ी मिल रही है इमेजेस में। तो जैसे कि ये वाला सैंपल आप देख सकते हैं ये आउटडोर का है दोस्तों, और आउटडोर में आपको काफ़ी क्लियर फोटोज़ देखने को मिलती है। आउटडोर में तो बेसिकली आपको पता है सनलाइट होती है तो उसमें कलर्स वगैरह और भी ज़्यादा अच्छे आपको देखने को मिलते हैं और शार्प मिलती है इमेजेस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जूम करके भी आप एकदम अच्छे से देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जूम हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। तो देख सकते हैं ये काफ़ी दूर वाले पौधे थे जो कि आपको यहाँ पे फोटो में अच्छे से दिख रहे हैं। तो यार ये तो हो गए सारे प्राइमरी कैमरा के शॉट्स जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसका 50 MP का प्राइमरी कैमरा। अब बात कर लेते हैं 8 MP का जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है। सो अल्ट्रा वाइड फोटो आप देख सकते हैं ये वाली, इसमें वाइड एंगल काफ़ी ज़्यादा है, इसमें वाइड एरिया आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, हालांकि शार्पनेस और डिटेलिंग इतनी नहीं मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली 8 MP का सेंसर है तो वो थोड़ा सा आपको अगर ज़्यादा जूम करेंगे तो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं मिलेगी, बट आपको वैसे फोटो काफ़ी अच्छी लगेगी देखने में, मतलब दूर से अगर आप देखेंगे नॉर्मल व्यू में।
तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। बाकी यहाँ पे अगर आप जूम भी करते हैं ना तो आपको काफ़ी मतलब थोड़ी बहुत डिटेल्स तो आराम से मिली जाएगी। हाँ, जैसा आपको 50 MP में मिलेगा वैसा तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा डिटेल्स, तो 8 MP के हिसाब से मुझे इसका कैमरा डिटेलिंग ठीक लगी। एंड जो वाइड एंगल का एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। आप देख सकते हैं ये वाइड एंगल की फ़ोटोज़ हैं। एंड इसमें भी इसने एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे मैंने लाइट की फ़ोटो ली है तो इसमें भी इसने वही चीज़ करा है, जो कलर्स है, जो ब्राइटनेस है और जो लाइट्स है ना, दोनों को अच्छे से प्रोपोर्शन में काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। इनका जो भी एक्सपोजर वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे से इसने मेंटेन किया है। एंड कोई भी यहाँ पर भी डल नहीं हुई इमेज, यहाँ पर भी ब्लो ऑफ नहीं हुई इमेज, एकदम शार्प और एकदम क्लियर इमेज हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों हमें एक 2 MP का मैक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है। वैसे तो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, बट अब कैमरा रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें आपको दिखा देता हूँ सैंपल्स कुछ। तो ये सैंपल है दोस्तों गैलेक्सी, आप देख सकते हैं मैंने इसके फ़ोन का बॉक्स का जो सैंपल है उसका लिया था, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखने को। ये ट्राईपॉड के एक माउंट का फोटो है जिसमें आप थोड़ी सी डिटेलिंग देख सकते हैं उस माउंट के ऊपर जो है, और ये लाइट जो है हमारी स्टूडियो लाइट उसके नेट की फोटो है जिसमें आपको डिटेलिंग तो काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो मतलब काफ़ी क्लोज शॉट्स आप ले पाएंगे एंड उनमें भी अच्छी क्लैरिटी आपको देखने को मिल जाती है, एकदम क्लियर फोटोज़ आपको देखने को मिल जाती है। मैक्रो मोड में भी अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटोज़ देखने को मिलती हैं। दोस्तों अब बारी है फ्रंट कैमरा की फ़ोटोज़ की, और डेफिनेटली से यार फ्रंट कैमरा जो इसमें दिया गया है ना 13 MP का, वो यार बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज लगा मुझे। उसमें क्लैरिटी और डिटेलिंग इतनी ज़्यादा है ना, मतलब अंडर 20,000 वन ऑफ द बेस्ट लगा मुझे जितने ही मैंने फ़ोन्स अब तक ट्राई किए हैं ना, तो आजकल जो फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें सबसे बेस्ट लगा मुझे ये वाला जो इसका फ्रंट कैमरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली फ़ोटो कितनी ज़्यादा अच्छे से कलर्स वगैरह इसने मेंटेन करी है, और यहाँ पे जो टोनिंग वगैरह है स्किन टोन वगैरह वो इसने अच्छे से मेंटेन करी है। और यहाँ पे अगर आप जूम भी करते हैं ना इस फोटो को तो डिटेलिंग आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे डिटेलिंग में भी कमी नहीं लग रही है और एकदम अच्छे से आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह। ये शॉट दोस्तों यहाँ पे मैंने लाइट के अगेंस्ट लिया था, लाइट्स मेरे पीछे से पूरी आ रही थी मतलब कैमरा पे, सो इस वजह से जो मेरे फेस पे है वो थोड़ी सी डार्कनेस यहाँ पे दिखा रहा है। बट यहाँ पे जो ये वाली फोटो है इसमें थोड़ा सा ब्लो ऑफ कर दिया है इसने, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि थोड़ी सी डिटेलिंग में कमी है और जो इमेज है थोड़ी सी ब्लो ऑफ हो गई है, कलर्स भी थोड़े से हो गए हैं। तो ये लाइट के अगेंस्ट वाली फ़ोटो है, तो एक आधी सिचुएशन में जैसा कि ये वाली सिचुएशन है इसमें आपको थोड़े से ब्लो ऑफ कलर लगेंगे, बट अगर आपके फेस पे लाइट पड़ रही है या फिर आपकी जो लाइटिंग है ओवरऑल इक्वल है पूरे रूम में, तो वहाँ पे आपको अच्छी फोटोज़ देखने को मिलेगी। सो ये नेक्स्ट शॉट ये देख सकते हैं, इसमें आपका जो फेस है मेरा उस पर लाइटिंग पड़ रही थी और पूरी एकदम अच्छे से इसने सारे कलर्स को क्लिक कराया और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पंची कलर्स लग रहे हैं इसमें, और जो डिटेलिंग आई है ना मेरी फ़ोटो की वो डेफिनेटली आपको देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिटेल है फ़ोटो में, एकदम अच्छे से आप सारी चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, मेरी बियर्ड वगैरह जो भी दिख रहा है आपको। सो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, इसमें शार्पनेस बहुत ज़्यादा है इसके कैमरा में डेफिनेटली से, एंड जो कलर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे मुझे। जैसा कि ये है दोस्तों आउटडोर का शॉट, और आउटडोर शॉट भी इसने बहुत कमाल का लिया है, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है ये वाला शॉट पर्सनली। एंड आप देख सकते हैं इसमें भी कलर्स वगैरह इसने एकदम अच्छे से रियल जैसे हैंडल किए हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी अच्छे से मेंटेन करी है इसने फोटो में। एंड जो यहाँ पे अगर आप दूसरे दूसरे एंगल से भी देखेंगे तो यहाँ पे इसमें मेरे फेस पे थोड़ी कम लाइट पड़ रही थी, बट उसके हिसाब से भी डिटेलिंग तो पूरी आपको देखने को मिल जाती है इस वाले फ़ोन में कैमरा में, तो डेफिनेट से ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई इसकी। सो फ्रंट कैमरा के मामले में ये फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे। गाइस अब बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स की, तो पोर्ट्रेट में हमने बैक और फ्रंट दोनों से कुछ फोटोज़ लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली फ़ोटो। तो पोर्ट्रेट में यार डिटेलिंग आपकी जो मेन ऑब्जेक्ट की है या फिर मेन पर्सन की है उसकी तो डिटेलिंग आपको अच्छी मिल जाती है, जो यहाँ पे एज डिटेक्शन वगैरह है वो थोड़ी सी हल्की सी इधर उधर हो जाती है एक आधे शॉट में, बट वैसे आपको ब्लर जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन फोटोज़ में। तो बैकग्राउंड ब्लर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे जो ये जिस तरीके से कर रहा है। एंड उसके अलावा दोस्तों बैक कैमरा में भी आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही कर रहा है जैसे फ्रंट कैमरा में है, सो ब्लर तो काफी अच्छा लगा मुझे। एज डिटेक्शन एक आधी जगह पे आगे पीछे हो जाती है, बट यहाँ पे एक चीज मिल जाती है आपको सैमसंग के फोन्स में, जैसे कि आप कोई पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं तो यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। अब इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने बैकग्राउंड को है ना थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर को, या तो यहाँ इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं इसकी, कम कर सकते हैं, स्टूडियो लाइट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों ये इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो ये सैमसंग के फोन्स में बेसिकली हमें ऑप्शन मिलता है ये, जिसमें आप अपना बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, अपने जो ब्लर बैकग्राउंड है उसकी इंटेंसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं एंड ये सब इफेक्ट भी डाल सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको एडिशनल मिल जाती है सैमसंग के फोन्स में करने को पोर्ट्रेट मोड में। तो डेफिनेट से यार पोर्ट्रेट कैमरा भी मेरे को इसका काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रहा है, एंड काफ़ी डिटेल्स तो आती है आपको हर फोटो में देखने को मिलेगी।
सो गाइस, इस तरीके का कुछ इसका कैमरा है जो कि डेफिनेट से आपको सारे तरह के शॉट्स दिखा दिया है मैंने कैसे कैसे कैप्चर करता है ये। और यहाँ पे डेफिनेट से मेरे लिए बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे ये वाला कैमरा। और इसका जो कैमरा है इस फ़ोन का, हर एक एंगल यहाँ पे एकदम बढ़िया आता है, कलर्स तो एकदम मज़ेदार आते हैं फ़ोटोज़ में, और ब्राइटनेस वगैरह जो भी कंट्रोल करता है, एक्सपोजर वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से कर लेता है। और इसके लेंसेज जो हैं डेफिनेट से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी वीडियो कैमरे के बारे में, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा मेन है इस फोन में। तो गाइस, आपने इसके फोटो शॉट्स वगैरह तो सब देख ही लिए, अब बात करते हैं इसके वीडियो शॉट्स की, जो कि काफी मेन चीज है, बिकॉज यहाँ पे OIS आपको मिल जाता है 50 एमपीएक्सल के इसके बैक कैमरा में। सो यहाँ पे वो कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे सबसे पहली वीडियो आपको दिखाता हूँ मैं। आप तो ये वाली जो वीडियो है ये दोस्तों विदाउट OIS है, मतलब हमने स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन ऑन नहीं किया था तब ये वीडियो ऐसी है। ठीक है, इसमें स्टेबलाइजेशन तो नहीं है, बट हाँ क्लैरिटी और कलर्स के मामले में कहूँ तो इसने अच्छे से मेंटेन किया है सारी चीज़ें यहाँ पे, चाहे बैक लाइट हो चाहे सनलाइट हो, तो इसने सबको एकदम ऑप्टिमाइज़ किया है एंड काफ़ी अच्छे से इसने मेंटेन करा सब कलर्स वगैरह को भी। सो ये चीज़ मेरे को देखने को मिली है इसके बैक कैमरा से नॉर्मल रिकॉर्डिंग में, जो कि हमने करी थी फुल HD 60 FPS में, और यहाँ पे आपको अल्ट्रा HD 30 FPS यानी कि 4K 30 FPS तक का ऑप्शन मिलता है। बट यहाँ पे हम अगर स्टेबलाइजेशन को ऑन कर देते तो वो फुल HD 30 FPS तक ही रिकॉर्ड होगा, वो 60 FPS तक नहीं मिलता है। तो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन ऑन करने का आपको सिर्फ फुल HD 30 FPS तक ही मिलता है। सो उसमें रिकॉर्डिंग करी है हमने, तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, ये वाली स्टेबलाइजेशन को ऑन करने की बात की है, एंड इसमें जो स्टेबलाइजेशन मिली है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहा था, मतलब यूं लगा लीजिए मैं स्लो रनिंग भी कर रहा था, और इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि कोई भी इंसान चल रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल एक स्मूथ स्टेज पे पता नहीं कैसे चल रहा है, मतलब एकदम स्मूथली स्लाइड कर रहा है कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है हमें फ्रेम, एंड एकदम इसने करेक्ट तरीके से इसको स्टेबल किया है वीडियो को, तो ऑप्टिमाइज करा है काफ़ी अच्छे से, एंड OIS इसका डेफिनेट से बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। बट वो फुल HD 30 FPS तक ही मिलता है आपको, तो उससे मेरे को कोई शिकायत नहीं है, एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसके मामले में भी, क्योंकि कलर्स वगैरह तो एकदम अच्छे से मेंटेन किया इसके रेयर कैमरा ने, ब्राइटनेस कलर्स एंड सेचुरेशन वगैरह सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। दोस्तों वहीं पे बात करते हैं फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग, तो फ्रंट में आपको फुल HD 30 FPS मिलता है और HD 30 FPS मिलता है, फुल HD 60 FPS भी नहीं मिलता है फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करने के लिए। सो यहाँ पे आपको एक बार पहले वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ फ्रंट कैमरा से। सो गाइस, ये फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी M34K, और यहाँ पे कोई मैनुअल स्टेबलाइजेशन वाला ऑप्शन तो नहीं मिलता है, बट आप देख सकते हैं कलर्स वगैरह मुझे ठीक लग रहे हैं इसके, साउंड क्वालिटी आपको पता चल रही होगी कैसी है इसकी, और इस तरीके से कुछ ये वीडियो शूट करता है फ्रंट कैमरा से, मतलब थोड़ा थोड़ा शायद आपको पता चल रहा होगा थोड़ा सा ज़्यादा हिल रहा है कैमरा अगर मैं चल रहा हूँ तो, लेकिन उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छे से मेंटेन तो कर रहा है। बाकी आप बताइएगा आपको कैसी लग रही है ये रिकॉर्डिंग। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब कलर्स और ब्राइटनेस वगैरह तो डेफिनेट से बहुत अच्छे से इसने मेंटेन करे हैं, वो चीज़ मेरे को एकदम कमाल की लगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे, एंड कलर्स वगैरह के मामले में डेफिनेट से ये कैमरा काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट यहाँ पे बस वही है, फ्रंट में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आप एक एक फुटस्टेप भी चलते हैं ना तो उसमें जो वाइब्रेशन होती है बॉडी में हल्की सी, वो यहाँ पे पता चल जाती है कि आप फुटस्टेप ले रहे हैं, और जिसकी वजह से आपका जो हैंड है वो हल्का सा शेक होता है, जिसकी वजह से जो हमें पता चल रहा है फ्रेम में वो ऑलरेडी दिख रहा है। सो वो चीज़ है, स्टेबलाइजेशन नहीं है, बट हाँ नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे अच्छी खासी, क्योंकि यहाँ पे जो कलर्स ब्राइटनेस वगैरह बाकी सब चीज़ें हैं वो एकदम कमाल की मिल जाती है। मेरे को कोई शिकायत नहीं लगी फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग से, एंड जो रियर कैमरा में OIS दिया गया वो डेफिनेट से बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपने जैसे ही देखा ये। आप बताइए कमेंट करके आपको कैसी लग रही है वीडियोस वगैरह इसकी, एंड कैसी लगी आपको फोटोज वगैरह। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आपको सब कुछ दिखा दिया मैंने कि इसकी फोटो सैंपल्स कैसे है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह कैसी है, तो आप बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा इसका कैमरा। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एंड अंडर 20,000 आजकल कोई फोन नहीं आ रहा जो कि इतना अच्छा कैमरा आ जाता हो, क्योंकि आपको पता है बेसिकली मोस्ट फोन्स आजकल एस्थेटिक्स पे काम कर रहे हैं या फिर उनमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है, बट इस वाले फोन में एक काफ़ी चीज अच्छी दी गई है जो कि कैमरा। अंडर 20,000 जिन लोगों को कैमरा फोन चाहिए तो वो इसको डेफिनेट से कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा क्लैरिटी है और जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इंडोर्स में भी एंड आउटडोर्स में भी। हाँ यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी बहुत नीड है इंडोर्स में, जैसे कि मैंने आपको फोटोज़ में दिखाया जहाँ पे हल्की फुल्की अगर आप लाइट के अगेंस्ट फोटो लेते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लरी या फिर थोड़ी सी सॉफ्ट इमेज देखने को मिलती है, तो वो कभी के बार की बात है, या यहाँ पे मोस्टली फोटोज़ आपको
ज्यादातर अच्छी देखने को मिलती है, एकदम क्लियर क्रिस्प एंड शार्प फोटोज देखने को मिलती है जिनमें आपको कलर्स बहुत ज्यादा पंची मिलते हैं। तो डेफिनेट से मेरे को कैमरा से कोई शिकायत नहीं है, मुझे कैमरा काफी ज्यादा अच्छा लगा सैमसंग गैलेक्सी M34 5G का। आप बताओ दोस्तों आपको कैसा लगा इसका कैमरा, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। एंड मैं आपसे नई वीडियो में जल्दी ही, टिल देन बाय बाय।